Hello everyone, welcome back to our channel startuplanes.com. I am Vyaneshwari Agrawal and I am conducting a series of interviews with the CEOs and founders of some excellent startups across India. For today's interview, we have Mr. Jignesh Rane with us. He is the CEO for Business Automation Tools, our leaders app, Asking App and FAQs app. So let's get ahead and know more about his ventures. Hello, sir. I am Gyaneshwari Agrawal from Startup Place, and we are very grateful to have you on board with us. So I would like to request you to please introduce yourself to our viewers. Myself, Jignesh Hirani, CEO of FAQs E-commerce Limited. Basically, हमारी company advertisement platform provide करती है. So my very first question to you is, how did you come up with the idea of this startup? We believe in philosophy, business is an opportunity to fulfill the social needs. So basically, हमने biggest जो problem था कि advertisement और viewer को connect करने में, उस bridge पे हमने काम किया है और हमने advertisement जो है advertiser जो है उसको easily viewer मिल सके, उस हिसाब से हमने एक platform बनाया है दोनों को कनेक्ट करने के लिए। So, what was the most difficult part in the early stages of your company's growth? Basically क्या है कि जो अभी क्या होता है कि जो कोई भी new changes है, ठीक है, वो accept करने में market को बहुत सारी दिक्कत आती है advertisement को, क्योंकि वो traditional platform पे advertisement कर रहे थे और हमारा platform है वो digital ही है, तो पहले स्टार्टिंग फेज में दिक्कत आती है, लेकिन बाकी सब सही है, उतना इश्यू है नहीं। So what was the gap in the market that you identified? हमने बेसिकली जो मार्केट का जो गैप है वो हमने ये आइडेंटिफाइज किया कि देयर वाज डिफरेंस प्रॉब्लम एडवर्टाइजर फेस लाइक ब्रांड हैमरिंग, ऑथेंटिकेशन, पोटेंशियल क्लाइंट एंड जो टारगेटेड यूजर को जो एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं और जो मतलब उसका जो रिटर्न है वो उनको इतना नहीं मिल रहा, वो हमने प्रॉब्लम फाइंड किया और उसके सॉल्यूशंस पे ही हम काम कर रहे हैं। सो कैन यू एक्सप्लेन योर बिजनेस मॉडल? बेसिकली हमारा जो ये एफएक्यूज प्लेटफॉर्म है वो एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग एंड पब्लिसिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस। हमारा जो प्रोडक्ट है वो मेन क्या है कि एडवर्टाइजर को मैक्सिमम रीच प्रोवाइड करता है, टारगेटेड ऑडियंस लाइक यूजर वाइज, एज वाइज, लोकेशन वाइज, करंट लोकेशन वाइज, उस हिसाब से देता है। फिर हमारा जो मेन यूनिक है वो क्वेश्चन, सर्वे क्वेश्चन है वो हम प्रोवाइड करते हैं, ब्रांड हैमरिंग हम प्रोवाइड करते हैं, ये हो गया एडवर्टाइजमेंट साइड। और जो व्यूअर्स है हमारे उनको हम एक मॉनिटरी बेनिफिट्स देते हैं, एडवर्टाइजमेंट तो वो देखती है, हम उसको एक डाउनलोड इनकम प्रोवाइड करते हैं, वेलकम रिवॉर्ड से वो हमारा रेफरल इनकम मिलता है, फिर जब वो केवाईसी अपडेट करते हैं तो उनका एक इनकम मिलता है। टोटली पांच तरह की हमारी इनकम है, एडवर्टाइज देखने में भी उनको एक मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलता है ताकि वो एडवर्टाइज प्रॉपर तरीके से देखे। अभी तक होल्डिंग्स या फिर टीवी एडवर्टाइजमेंट में सब में क्या होता था कि जो यूजर है वो प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट देखता है या नहीं देखता वो एडवर्टाइजर को नहीं पता चलता, तो हम ये पांच तरह की इनकम देते हैं और इतने हमारे फीचर्स है सारे जो मैंने पहले बताए। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट यू ऑफर? जैसे कि मैंने हाल में बताया वैसे ही हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड करता है, ब्रांडिंग एंड पब्लिसिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है और जो व्यूअर है उनको एम्पावरिंग करता है क्योंकि उसको एक एंटरटेनमेंट भी मिलता है और अर्निंग भी होता है, एडवर्टाइजमेंट देख सकता है, नॉलेज भी मिलता है और मॉनिटरी भी बेनिफिट्स मिलते हैं। सो हु आर योर टारगेटेड कस्टमर्स? बेसिकली जो भी बिजनेसमैन है, मतलब बिजनेसेस है, वो सब हमारे टारगेटेड कस्टमर ही है जो वीडियो एड्स करना चाहते हो। लेकिन मैं स्पेसिफाई अगर कैटेगरीज में बताऊँ तो एफएमसीजी, गारमेंट्स, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल, एंटरटेनमेंट एंड न्यूज मीडिया इंडस्ट्रीज, वो हमारे टारगेटेड कस्टमर।
So why do your customers choose your products and services? Why do they repeatedly approach you? देखिए एक कहावत है कि दिखेगा तभी बिकेगा, लेकिन हमारा जो टैगलाइन है वो यही है कि सही जगह पे दिखेगा तभी तो बिकेगा। मान लीजिए कि आपको कोई एडवर्टाइजमेंट करना है और आप सही जगह पे कस्टमर को, पोटेंशियल कस्टमर की जगह आप दूसरी जगह पे होल्डिंग्स लगा दोगे या फिर कुछ ऐसी जगह एडवर्टाइज दे दोगे जहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है, तो वही अभी गलतियाँ हो रही एडवर्टाइजमेंट्स। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे उन लोगों की जो एडवर्टाइज है, बिजनेस की एडवर्टाइज, वो एकदम सही जगह पे दिखेगी और उसका रेवेन्यू भी सही तरीके से मिलेगा, सेल्स भी अच्छा रहेगा। सो व्हाट आर द थ्री यूनिक थिंग्स दैट मेक्स यू बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स? पहली चीज मैं बताऊं तो हमारे में जो कस्टमर, मतलब जो व्यूअर्स है जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो KYC पान वेरीफाइड कस्टमर है जो किसी भी डिजिटल, आज के किसी भी डिजिटल पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे है। सॉरी। और हमारे जो व्यूअर है उनको रॉयल्टी इनकम मिलता रहता है हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो वो कंटिन्यूटी हमारे ऐप पे जुड़ा रहेगा। और तीसरी बात जो है वो हम एक ऐसे रिपोर्ट्स सारे जनरेट करके देते हैं ग्राफ में कि जो उनके टारगेटेड कस्टमर है उनका ही डेटा उनको मिले एडवर्टाइजर को, तो इस तीन चीजों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे वो आएंगे। My next question to you is, why should a job applicant will work with you? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा न्यू स्टार्टअप है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कंपनी के ऑफिसेस वगैरह, कॉर्पोरेट कल्चर है, फिर उनको नई ट्रेनिंग्स मिलेगी, सेल्फ डेवलपमेंट होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, और वो जो जिसके लिए काम कर रहा है, अपने फैमिली के लिए टाइम देना चाहता है, तो वो फुलफिल होगा उसके लिए। So if it wasn't your company, what you would be doing right now? अगर मैं इस कंपनी में नहीं होता, फ्रेंकली तो मेरा बैकग्राउंड IT से ही है, तो मैं कहीं पे कुछ स्टार्टअप, किसी और के स्टार्टअप में मैं अपना शायद दिमाग लगा रहा होता और जॉब कर रहा होता। So what are your recent and long term plans for your startup? जी, हमारा जो शॉर्ट टर्म गोल है, अवर शॉर्ट टर्म गोल इज रेज द कैपिटल 15 करोड़ वाया वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर बाय सेलिंग इक्विटीज। और हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो हम एक ई कॉमर्स मॉल शुरू करना चाहते हैं ताकि जो व्यूअर्स है वो यहीं से, इसी एप्लीकेशन से एडवर्टाइज देख के वहीं से प्रोडक्ट परचेज कर सके। So are you raising external funds or are you willing to raise external funds in near future? We are abhi approach kar rahe venture capitals aur angel investor ko startup mein investment karne ke liye. So my last question to you is, what is your feedback on Startup Lanes? Yes, actually Startup Lanes ko hum kareeb 1 year se hum follow kar rahe hain. और स्टार्टअप लेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फंडिंग रेज और स्टार्टअप्स को एक इंटरव्यू, डायरेक्टर का इंटरव्यू लेके उनको एक मौका देता है कि वो अपना ब्रांडिंग कर सके या फिर फंड रेज कर सके, वैसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। बढ़िया। सो कंक्लूडिंग दिस, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स, फॉर योर टाइम, फॉर योर वर्ड्स। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू।